नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा महांडुले दुर्वांकुर आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र अहमदनगर में मैं दुर्वांकुर पंचकर्म और इन्फर्टिलिटी सेंटर और प्रणव हॉस्पिटल के माध्यम से रुग्ण सेवा करती हूँ। पुणे और मुंबई रेगुलर विजिट के लिए जाती हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है यूटेराइन फाइब्रॉयड। ये रिप्रोडक्टिव एज में बहुत से महिलाओं में ये प्रॉब्लम दिखती है। 25% महिला ये बीमारी की शिकार बन गई है। तो आज का ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यूटेराइन फाइब्रॉयड मीन्स क्या, मतलब क्या? तो जो ये हमारा जो गर्भाशय रहता है, मतलब बच्चेदानी में गठान, तो ये जो बच्चेदानी है तो इसमें इसको ये यूटरस है, इसको दो फैलोपियन ट्यूब्स रहती है। ये जो है ये दिखते हैं, ये ओवरीज है, दोनों साइड में ओवरीज है, दोनों साइड में फैलोपियन ट्यूब्स है और बीच में ये यूटरस है। तो ये जो यूटरस है इसमें गठान होना, ऊपर गठान होना, बाजू में गठान होना, और इसको हम यूटेराइन फाइब्रॉयड कहते हैं, मतलब बच्चेदानी में गठान। तो ये किससे बनती है? तो ये बनती है टिश्यू या फाइबर या मांसपेशी से ही ये बनती है। मतलब जहाँ पर एक टिश्यू ग्रो होना चाहिए, वहीं पर अगर 10 और 15 टिश्यू अगर ग्रो हो गई, कनेक्टेड हो गई, तो उसकी वो गठान बन जाती है। और ये बहुत सा सिंपल है, नॉर्मल है। कभी कभी कोई महिलाओं में इसकी तकरार, कोई भी सिम्टम्स भी नहीं दिखते, लेकिन कोई महिलाओं को बहुत तकलीफ होती है। तो इसमें क्या सिम्टम्स दिखते हैं? तो यहाँ इसमें आपको जब ब्लीडिंग शुरू होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है आपको, तो आपको बहुत हीवी ब्लीडिंग हो जाता है। जहाँ पर 5 दिन ब्लीडिंग होता है तो वो बहुत, मतलब आपको बार बार पैड बदलने पड़ते हैं। तो कोई महिलाओं में ये जो 5 दिन ब्लीडिंग चलता है तो ये 10 दिन 12 दिन भी ब्लीडिंग हो सकता है। और किसी के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज में आना चाहिए, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हर 15 दिन में ही आना शुरू हो जाते हैं। तो ये तकलीफ दिखती है। कोई महिलाओं में डिसमेनोरिया, मतलब पेनफुल ब्लीडिंग होता है, और पीरियड के पहले ही पेन होता है 3-4 दिन, और पीरियड आने के बाद भी थोड़ा फेवरिश लगता है और सीवियर पेन उनमें दिखता है। तो ये सब तकलीफें हमें यूटेराइन फाइब्रॉयड में दिखती है। उसके साथ कभी कभी अगर फाइब्रॉयड बहुत बड़ा है तो उसका प्रेशर ब्लैडर पे आ जाता है और रेक्टस पे भी आ जाता है। तो ब्लैडर पे आने की वजह से बार बार आपको पेशाब लगती है और आप बार बार पेशाब कर जाते हैं, और पेशाब करने के बाद भी आपको ऐसा महसूस होता है कि मैंने की नहीं है, मतलब अनकंफर्टेबल आपको लगता है, और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी लगता है। तो अब हमें इसमें क्या ट्रीटमेंट और कैसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप अपने आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, या नहीं तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए। आप उनके यहाँ पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन कीजिए, पर वजनल एग्जामिनेशन वो गायनेकोलॉजिस्ट कर लेंगे, और वो पर एब्डोमिनल भी देखेंगे। अगर आपका फाइब्रॉयड बड़ा है तो उनको पर एब्डोमिनल भी पता चलेगा कि आपको फाइब्रॉयड की तकलीफ है। लेकिन वो 100% डायग्नोसिस के लिए आपकी वो अल्ट्रासाउंड करेंगे, मतलब आपकी सोनोग्राफी करेंगे, पेल्विक सोनोग्राफी से पता चलेगा कि आपको फाइब्रॉयड है या नहीं है और उसका साइज कितना है। क्योंकि फाइब्रॉयड की साइज कभी कभी मटर के दाने जैसे छोटी भी रहती है, तो कभी कभी नींबू जैसी रहती है, तो कभी कभी आलू इतनी बड़ी रहती है, तो कभी बहुत बड़ी, मतलब 1/2 kg, 1 kg, अप टू द 2 kg तक ये फाइब्रॉयड रहता है। तो वो ये सब उनको पता चलेगा सोनोग्राफी से, वो उनका ये डायग्नोसिस आपका कर सकते हैं। उसके साथ आप आपका खून पेशाब भी चेक कीजिए। अगर आपको हेवी ब्लीडिंग है तो आपका ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से आपका खून कितना कम हुआ है ये भी उसमें आपका पता चलेगा। तो ये सब आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो आयुर्वेद शास्त्र में भी बोला है, अगर आपका यूटेराइन फाइब्रॉयड बहुत बड़ा है, तो अगर बहुत बड़ा है और आपको बहुत तकलीफ हो रही है, वो बढ़ ही रहा है, तो आपको सर्जरी करना जरूरी है। अगर लेकिन आपकी उम्र कम है, आपको बच्चा चाहिए, क्योंकि बहुत से इनफर्टिलिटी पेशेंट में यूटेराइन फाइब्रॉयड रहता है, क्योंकि जहाँ पर बच्चा ग्रो होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है, वहीं पर वो फाइब्रॉयड की वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती। अगर कंसीव भी कर लिया तो वहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप या बच्चा डेवलप होने के लिए जगह ही नहीं रहती, वह बार बार एबॉर्शन हो सकता है। तो ऐसी हालत में आप उत्तर बस्ती कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फाइब्रॉयड है ये रिप्रोडक्टिव एज में ही, मतलब आपकी उम्र के 13 साल से 50 साल तक ही ये यूटेराइन फाइब्रॉयड बढ़ जाता है। तो अगर आपकी उम्र
कम है, आपको बच्चा चाहिए और आपको ऑपरेशन नहीं करना है, तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आप साइरप दशमराष्ट दो दो चम्मच दो बार लीजिए, टैबलेट चंद्र प्रभावटी एक एक टैबलेट दो बार लीजिए और टैबलेट कांचनार गुगुल दो दो टैबलेट दो बार लीजिए। और डॉक्टर की सलाह से, मतलब मैंने तो ये ऐसे ही आपको सलाह दी है, लेकिन आपका प्रकृति परीक्षण और नाड़ी परीक्षण के बाद आप डॉक्टर की सलाह से आप पंचकर्मा उपचार भी कर सकती हैं। पंचकर्मा में आप बस्ती उपचार लीजिए, लेखन बस्ती कर सकती है, योग बस्ती कर सकती है और उत्तर बस्ती भी कर सकती है। उत्तर बस्ती हर पीरियड के पाँचवें छठवें और सातवें दिन हम कर सकते हैं और हर 3 महीने के बाद सोनोग्राफी कीजिए। आपका फाइब्रॉइड कितना कम हुआ या नहीं हुआ ये आप पता कर लीजिए। अगर आपका फाइब्रॉइड कम हो रहा है तो आप ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू कीजिए जब तक आपका फाइब्रॉइड पूरा गायब नहीं हो जाता तब तक। और उसके बाद आप, अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो आप कंसीव भी कर सकती है। लेकिन अगर आपका फाइब्रॉइड बढ़ रहा है, आपका फाइब्रॉइड कम नहीं हुआ है, तो ये समझिए कि कुछ तो भी ज़्यादा बीमारी है आपको, क्योंकि फाइब्रॉइड दो तरह के रहता है, एक बिनाइन फाइब्रॉइड और दूसरा जो रहता है वो मैलिग्नेंट फाइब्रॉइड। तो बिनाइन फाइब्रॉइड में आपका जो साइंस है वो कम हो जाते हैं, आपका फाइब्रॉइड कम हो जाता है। लेकिन अगर आपका फाइब्रॉइड मैलिग्नेंट है, मतलब वो कैंसर की गांठ है, तो वो बढ़ती ही जाती है, वो कम नहीं होती, तो आप ये ट्रीटमेंट स्टॉप कीजिए और आप जल्दी से जल्दी आपका बच्चेदानी रिमूव करने की, मतलब यूट्रस रिमूव हिस्टेक्टॉमी करने की मैं सलाह दूंगी। और वो जो हिस्टेक्टॉमी करने के बाद वो आप हिस्टोपैथ के लिए भेजिए कि आपकी गांठ कैंसर की थी या नॉर्मल थी, ये आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ तकलीफ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए लिखकर, तो मैं उसका आंसर भी दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि अगर किसी को ये तकलीफ होगी तो उनको भी पता चलेगा। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबाइए, क्योंकि अगर हमारा अगला वीडियो अगर मैंने किया तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।